तो दोस्तों आज की बात करने वाले डीडी फ्रीडिस में जो 43वां इलेक्शन आज यानी 22 जनवरी 2020 को होने वाला था उसके बारे में, उसके नतीजे के बारे में, आखिर इतना देरी क्यों हो रहा है, प्रसार भारती ने अभी तक नतीजे क्यों नहीं घोषित किए, और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि इस वीडियो में कि क्यों आखिर ये देरी हो रहा है। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला है, इसे लास्ट तक जो देखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ आज 43वां ई ऑक्शन दोपहर 1 बजे से शुरू हो चुका था, लेकिन दोस्तों हो सकता है यहाँ पर आपके लिए डीले हो चुका है। ई ऑक्शन यहाँ पर आपके लिए 1 बजे के बजाय 3 बजे हुआ। अब कौन से कारण से हुआ वो तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन 3 बजे से ई ऑक्शन की प्रक्रिया यहां पर शुरू की गई है। अब ई ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसे ई ऑक्शन में कम से कम 3 से 4 घंटे यहां पर लगते हैं, यानी कुल 6 या 7 बजे तक आपके लिए ई ऑक्शन की समाप्ति हुई है। तो दोस्तों यहां पर अभी तक प्रसार भारती ने अपने वेबसाइट में यहां पर 43वां ई ऑक्शन का रिजल्ट को अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया, जिस कारण दोस्तों हम आपको अपडेट नहीं दे पा रहे कि आखिर कौन कौन से चैनल यहां पर इंपैक्ट 4 सेटअप बॉक्स में यहां पर आए हैं। मैं आपको बता दूं 5 चैनलों के लिए यहां पर ई ऑक्शन होने वाला है। जितने भी स्लॉट्स यहां पर जीते गए हैं वो 5 नए चैनल आपके लिए इंपैक्ट 4 सेटअप बॉक्स में आएंगे, लेकिन दोस्तों अभी किसी कारणवश यहाँ पर प्रसार भारती ने अभी तक रिजल्ट को घोषित नहीं किया। अब ये कौन सा कारण होगा वो तो मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि हो जाता है ई ऑक्शन देरी के स्टार्ट होने के कारण का रिजल्ट भी घोषित होने में थोड़ा सा देरी हो, या फिर यहाँ पर अमाउंट को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों क्या कारण है ये तो कन्फर्म नहीं है, आने वाले आपको वीडियो में पता चलेगा। मैं रात 10 बजे तक आपके लिए इंतजार करूंगा, अगर ई ऑक्शन रिजल्ट आता तो मैं 10 बजे रात तक आपके लिए वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि ई ऑक्शन की यहाँ पर रिजल्ट घोषित कर देगा। दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यहाँ पर होता है कल सुबह तक भी आपके लिए ई ऑक्शन का रिजल्ट यहाँ पर घोषित हो जाए। दोस्तों ये पहला बार हो रहा है कि प्रसार भारती इतना देरी से ई ऑक्शन की प्रक्रिया कर रहा है, इससे पहले तक यहाँ पर अभी तक आपके लिए रिजल्ट घोषित हो जाते थे, लेकिन इस बार नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स क्या कारण वो मुझे पता नहीं, लेकिन 5 चैनल यहाँ पर आपके लिए आने कन्फर्म हो गए हैं। अब दोस्तों मैं बता दूँ ई ऑक्शन का रिजल्ट यहाँ पर आपके लिए कल सुबह तक ही यहाँ पर आएगा, मैं रात तक देखता हूँ, अगर आता है तो मैं रात को ही आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए, आपके लिए ई ऑक्शन का रिजल्ट जल्दी आएगा। प्रसार भारती का ये गलती है, हमारी तरफ से गलती यहाँ पर नहीं हुई। अभी ई ऑक्शन का रिजल्ट जैसे आता मैं आपको कन्फर्म कर दूँगा।